हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ आपके मॉस्किटो रैकेट में इस तरह की प्रॉब्लम है। जैसे देख सकते हैं ये मॉस्किटो रैकेट है और इसमें जो एलईडी है, इसका जो एलईडी ऑप्शन है वो सही काम कर रहा है। इसका मतलब इसका जो बैटरी है सही है, लेकिन जैसे ही मैं इसके वर्किंग कंडीशन में डालता हूँ यहाँ से बटन दबा के, तो आप ये देख सकते हो इसमें जो चार्ज आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इसके जो मॉस्किटो है वो भी किल नहीं हो रहे हैं। तो इसको आपको सही कैसे करना है, तो इसको सही करने या तो आप ये यूज कर सकते हैं कैपेसिटेंस। ये 400 वोल्ट का कैपेसिटेंस है और इसका जो कैपेसिटेंस है वो 8 माइक्रोफेरेड है। या तो आप ये यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इसके अंदर आएगा नहीं। तो और या आप इस तरह का कैपेसिटेंस यूज कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटेंस है। तो इसका जो वोल्टेज रेटिंग है वो 450 वोल्ट है और इसका जो कैपेसिटेंस है वो 10 माइक्रोफेरेड है। तो ये आप इसको अंदर फिट कर सकते हो, तो इससे आपका जो ये चार्ज वाली प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो कम चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, वो आप इसको सही कर सकते हो। इसके जो बैटरी है वो पूरा सही है क्योंकि ये नया रैकेट है। इसका जो कैपेसिटर है आई थिंक वो चले गया है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आपको कोई कैपेसिटेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको जैसे एक एडिशनल कैपेसिटेंस को जोड़ना है 400 वोल्ट का। आपको याद रखना है कि 400 वोल्ट का ही आपको यूज करना है, उससे कम का यूज नहीं करना है। इसको हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे इसके नट्स हैं, तो हमें इसे खोलना है। तो यहां पे मैंने इसको खोल दिया है और आप ये देख सकते हैं ये इसका सर्किट बोर्ड है। तो मैं इसको आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं कि कैसे काम करता है ये। ये इसका सर्किट बोर्ड है, तो आप इसका जो बैक साइड है वो देखोगे तो यहां पे एक ये कैपेसिटर है, एक बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है। उसके बाद यहां से इसमें वायर जा रही है। तो इस कैपेसिटर में प्रॉब्लम है क्योंकि ये कैपेसिटर जो है चार्ज स्टोर नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो जितना स्पार्क आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर का जो टर्मिनल है यहाँ पे आप देख सकते हो, इस कैपेसिटर में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। तो वहां पे हम ये कैपेसिटर जोड़ेंगे, आइदर ये जोड़ेंगे या इस तरह का कैपेसिटर जोड़ेंगे। सिंस ये इतना बड़ा कैपेसिटर ये अंदर तो आएगा नहीं, इसलिए हम इसको इस वाले को फाइनली जोड़ेंगे। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो हमें क्या करना है, मैं पहले इसको एक जगह, क्योंकि ये जो कैपेसिटर होता है ये भी नॉन पोलैरिटी कैपेसिटर होता है, तो इसमें आपको कोई वायर का कोई चेक नहीं करना है कि कहां पे पॉजिटिव जाएगी। जस्ट आपको इस जो बड़े कैपेसिटर है इसके पीछे ये वायर को जोड़ना है, तो कहीं पे भी आप इसको जोड़ सकते हो क्योंकि ये नॉन पोलैरिटी है। तो ये जस्ट मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं कि कैसे काम कर रहा है। तो यहां पे मैंने खाली एक वायर इसको जोड़ रखा है, बाकी को नहीं जोड़ रखा है। तो अभी मैंने जो कैपेसिटर है इसकी लीड को जोड़ा नहीं है, तो मैं विदाउट कैपेसिटर जोड़ के दिखाता हूं कि कितना चार्ज आपका आ रहा है। तो जब यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिए यहां पे बहुत कम चार्ज आ रहा है। और अगर मैं इसको जोड़ देता हूं यहां पे मैं इसको जोड़ देता हूं और फिर इसको स्टार्ट करता हूं, तो ये थोड़ा टाइम लेता है चार्ज स्टोर करने के लिए और फिर आप देखिए क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो आप इस कैपेसिटर को यूज करके ये जो प्रॉब्लम है इसको रेक्टिफाई कर सकते हो। और फाइनली सिंस ये इतना बड़ा कैपेसिटर है तो इसके अंदर जाएगा नहीं, तो हम इसके थ्रू अटैच करेंगे। तो ये जो कैपेसिटर है ये पोलर कैपेसिटर है, तो आपको जब इसको अटैच करना है यहां पे, तो ये ध्यान रखना है कि इसकी जो पोलैरिटी है वो इसमें सही से अटैच रहे। तो ये इसका नेगेटिव पोलैरिटी है और ये इसका पॉजिटिव पोलैरिटी है। तो आपको यहाँ पे नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ना है और आपका ये काम करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं अब इस वाले कैपेसिटर को निकाल देता हूं और इसको इसमें लगा देता हूं। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं मैंने इसको जोड़ दिया है यहां पे और जो कनेक्शन है वो पूरे चेक कर लिए एक बार। तो जस्ट याद रखना है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ना है और मैं आपको एक बार फिर से चेक करके दिखा देता हूं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये देखिए मैंने ऑन कर दिया इसको। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि इसमें जो चार्ज है थोड़ा कम हो रहा है, तो आप इसमें एक एडिशनल कैपेसिटर सेम जोड़ सकते हो। तो यहां पे मैंने एक और कैपेसिटर जोड़ दिया है, तो ये 450 वोल्ट सेम 6.8 माइक्रोफेरेड का है। तो अभी इसका थोड़ा ज्यादा इम्प्रूव हो गया है, तो मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूं।
तो जैसे ये आप स्टार्ट करोगे और ये देखिए तो ये अपनी फुल पावर पे आ गया है। तो आपको थोड़ा कैपेसिटेंस को आपको अरेंज करना है, या तो आप ज्यादा कैपेसिटेंस का यूज कर सकते हैं या आप इसको एडिशनल भी जोड़ सकते हैं। बस पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ना है, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, तो आपका ये प्रॉपरली वर्क करेगा। ये देखिए तो ये अपनी फुल पावर पे आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो।